अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने दरअसल से कुछ ऑर्डर्स किए थे, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी। मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं, तो यहाँ पे जल्दी से हम पहले नाश्ता करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑमलेट बनाना था, साथ पराठे बनाने थे। तो जी आगे जैसे जैसे वीडियो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जी हमने ले ली 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, उनको जल्दी से मैंने कट कट कर लिया। 2 टमाटर ले लिए, मेरा ख्याल एक ही टमाटर मैंने लिया था कि टमाटर ज़्यादा कुछ खाते नहीं, इसलिए मैं बहुत चॉप करती हूँ बारीक बारीक सा, और उसको भी अच्छे से मैश कर देती हूँ जब मैं इसको तड़का शड़का लगाती हूँ ना। तो साथ ही मैंने प्याज काट लिया, प्याज बहुत हेल्दी है, ठीक है, नाश्ते में आप ज़रूर प्याज लें। तो जब प्याजों वाला ऑमलेट बन रहा है तो ऑलरेडी इसमें अनियन तो यूज़ होंगी, तो यहाँ पे जी मैंने फटाफट से प्याज भी काट लिया। इस तरह सारा सामान तैयार हो गया। तो मैंने एक पैन में जी मैं इन सबको इकट्ठा डाल के नमक मिर्च गरम मसाला या काली मिर्च धनिया सब कुछ डाल के ऐसे भी बना लेती हूँ, सिर्फ ऑयल डाला फ्राई कर लिया। लेकिन कभी कभी मैं इस तरह बनाती हूँ, मुझे और मेरे को इस तरह बहुत जो है ना ऑमलेट पसंद है कि हल्का सा इनको सौते कर लें प्याज को, तो जब ये थोड़े से हो जाते हैं ना, सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो इसमें मैं साथ ही टमाटर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, नमक लाल मिर्च गरम मसाला। ज़्यादातर तो ये बस 3 इसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं सिंपल से। एक साइड पे मैं रोटियां बना रही थी, ड्राइवर की भी रोटी बनानी थी, तो फिर बाजी कह रहे थे चलो तुम रोटियां बना लो, तो मैं साथ ऑमलेट जो है ना वो तैयार कर देती हूँ। तो फटाफट से एक साइड पर ऑमलेट बना लिया और एक साइड पे मैं रोटियां बनाती गई, बिकॉज़ मेरी रोटियों में काफ़ी अच्छी स्पीड है, तो रोटियों पे रोटियां मैं बनाती जा रही थी। सबका मैंने नाश्ता ना मतलब सुबह सुबह बना दिया, जिसने पराठे खाने थे, जिसने रोटी खानी थी, सबकी पसंद का जी। और एक साइड पे बाजी जो है वो नाश्ता बना रही थी मेरे साथ मिलकर। तो यहाँ पर प्याज हो गए सॉफ्ट से, एक साइड पर अंडे जो है ना वो कटोरी में निकाल लिए, उसके अंदर ही आप नमक मिर्च और गर्म मसाला मिक्स कर दें तो वो सही रहता है। और कभी कभी इस तरह भी कर लेना चाहिए, जब नमक और मिर्च और गरम मसाला जो है ना ऊपर तैरते रहते हैं एक मोटी मोटी सी फॉर्म में, तो अगर आपने इस चीज़ को हटाना है ना, तो आप थोड़ा सा पानी लें, 2 घूंट या 1 घूंट पानी का, उसमें नमक मिर्च गरम मसाला जो भी आप मसाला चाहते उसमें डालना चाहते हैं, अच्छे से मिक्स करें, उसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे मसाले, फिर आप उसमें अंडे डाल दें, तो वो देखिएगा इतने अच्छे इक्वली ये मिक्स होंगे। तो यहाँ पर जी रोटियाँ भी बन रही थी, और साथ साथ मैंने आपको दिखाया है कि प्याज सॉफ्ट हो गए, इसमें टमाटर सब्ज़ मिर्चों को ऐड कर दिया, तो अब थोड़ा सा इसमें 2 घूंट पानी डालेंगे और नमक मिर्च मसाला सब कुछ हम ऐड कर देंगे। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, मैंने 2-3 ऑर्डर किए हैं चीज़ें दराज डॉट पीके से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था वो इतना फजूल, इतना कोई फेक किस्म का पाउडर निकला कि मुझे गुस्सा ही आ गया बस यूज़ करके। मैं आपको बता नहीं सकती कि फजूल में ना लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो आपने बिल्कुल भी उसको ऑर्डर नहीं करना। लेकिन दराज से जो मैंने वो दराज डॉट पीके था कुछ इस तरह का, लेकिन ये दराज थी जिससे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये पाकिस्तान में हर कोई करता है शॉपिंग। बहुत अच्छा मतलब चीज़ें सब ओरिजिनल मिलेंगी, कोई भी फेक नहीं मिलेगी। अभी तक जो भी मैंने कभी ऑर्डर किया है कभी मुझे फेक चीज़ें रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र जो थे वो मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि बच्चों के साथ ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके, वैसे भी बहुत अच्छी बात है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, बट बच्चों वाले घरों में ये होता है सॉक्स हैं, नैपकिन्स हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमने कभी सॉर्ट आउट भी करना पड़ जाता है, चीज़ों को सामने रखी हो ना तो हम सब चीज़ें अच्छे से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कोई कहीं पड़ी होगी, कोई कहीं पड़ी होगी, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी जाए। मुझे अच्छा लगता है कि रूम ऑर्गेनाइज हो, लेकिन बच्चों वाले घरों में आपको पता है ना, कोई चीज़ इधर होती कोई चीज़ इधर, मुझसे भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं ना बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। ये हर घर में ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र ज़रूर होने चाहिए जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं हैं। ये देखें, पहले भी मैंने ना बॉक्सेस को अटैच किया था ग्लू के साथ, तो पहले भी मैंने ऑर्गेनाइज़ ही चीज़ें करके रखी थी, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं इंसान को अवेयरनेस आती इन चीज़ों की, तो ज़रूर उनको ट्राई करना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो ये भी मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग आगे कर करके देखते हैं, तो वीडियो पूरी देखनी है। और अगर अभी तक
आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली तमाम वीडियोस जल्दी जल्दी से मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ज़िमल की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं ना, तो मुझे हर वक्त कबर्ड्स को ओपन करना पड़ता है, चीज़ों को फिर वो डिब्बों से निकालना पड़ता है। तो मैंने ज़िमल को समझाया कि बेटा ये ना हो कि मैंने अब आपकी चीज़ें इधर रखी हैं। बच्चे आपको पता है ना इसी तरह करते हैं कि हमें हर चीज़ और डेली बेसिस पे ज़िमल की नेचर आई है कि मुझे हर चीज़ पहनाई जाओ, मेरे सर पर लगा दो, बैंगल्स हैं उनको पहनाओ। मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन एक हद तक घर में ना बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। अब हर चीज़ दूल्हनों वाली शादियों वाली ऑल टाइम पहन के तो बच्चियाँ नहीं अच्छी लगती, तो उनको अभी से हम गाइड करेंगे ना, तो जब तक बच्ची ने बड़ी होना है ना तो उसको इन चीज़ों का पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने डेली बेसिस की ज़िमल की सारी पोनियाँ पिन्ने और कैचर जो उसने डेली बेसिस, यहाँ पे जी देखें बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज हो गया है। यहाँ पे जो मैंने पिन्स रखी थी मैंने उनको सोचा कि ये तो फिर भी जो ऑर्गेनाइज़र है ना इनसे निकलती जाएंगी, इधर उधर होंगी, तो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा डिब्बियाँ हैं ना ये मैं बहुत रखती हूँ, बॉक्सेस कवर वाले भी, कवर के बगैर भी, कि जो चीज़ें स्टैंड करने वाली होती ना उनको मैं ऐसे रखती हूँ। और ये देखिए जो मैंने रूम में ऑर्गेनाइज़र ये ऐसे सेट किए थे ना, इनको बाहर ये मेरा बॉक्स है, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह होती है सबकी, तो ये मेडिसिन के लिए मैंने सेट कर दिया। देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गए। और यहाँ पे देखिए मेरी कबर्ड का क्या हाल हुआ है, बिकॉज़ मैं ना 2-3 दिन से अपनी कबर्ड जो है ना वो भी सेट कर रही हूँ। साथ साथ पता है ना बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है, हम एक ही तरह सेट होकर सारा काम नहीं कर सकते। बस मैं डेली ना 1-1 घंटा अपनी कबर्ड्स को दे रही हूँ और वीडियोज़ भी प्रॉपर नहीं बना रही, बिकॉज़ मुझे लालच होती है कि मेरा बच्चा सो गया है तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज़ कर लूँ चीज़ों को। तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी जो कबर्ड्स है ना वो ठीक कर ली हैं। तो ये देखिए एक वो नेचुरल का है ये लोशन, ये इतना बेस्ट लोशन है, आई थिंक इसकी कोई 1200 से 1300 जो है ना इसकी रेंज है, और वो भी मुझे डिस्काउंट में मिला है, 50% ऑफ लगी हुई थी और किसी पे 20 लगी हुई थी, अलबारिक से मैं लेके आई हूँ रिसेंटली। तो ये वैसे तो 1600 का है अगर आप सेल के बगैर लेंगे, और हो सकता है 18 का भी हो, लेकिन ये मैंने सेल में परचेज़ किया तो इसलिए मुझे थोड़ा कम पैसों में मिल गया। तो जब सेल लगती है हम ज़रूर इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये कुछ ऑयल हैं, ग्लिसरीन है, ये ऑयल भी बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये बालों की बड़ी अच्छी से ग्रोथ होती है। ये मेरे पास हर तरह के ऑयल अवेलेबल हैं, इनको मैंने ऐसे सेट कर लिया है जो मेरे सामने सामने रहे। कभी बच्चों के पाँव पे लगाना पड़ जाता है, कोकोनट ऑयल बेस्ट है बच्चों के पाँव के लिए, या गैस प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है जो न्यू बॉर्न होते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है कि पास ऑयल और हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइज़र थे ना ये भी बहुत अच्छे हैं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, तो इनको जब इस्माइल पैदा हुआ था ना तो मैंने अपने पास ही ना बेड पे रख लिया था इसको साइड टेबल पे, तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। इसमें पाउडर लोशन और बॉडी वॉश तो वॉशरूम में ही होता है लेकिन मैं फिर भी उधर नहीं रखती थी, जब मैंने नहलाना होता था तब मैं साथ इसकी सारी एक्सेसरीज जो है ना ले जाती थी। तो आज देखें जी मेरा गला भी बैठ गया है, मौसम चेंज होने की देर है और गला जवाब दे गया है कि तुम वॉइस ओवर कर लो। रात में हालांकि ठीक सोई हूँ तो अब मेरा गला जो है ना थोड़ा बैठा बैठा हो गया है। तो आपने फाइक की भी दुआ करनी है, फाइक बहुत ज़्यादा बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर है। तो ये देखिए मेरी आवाज़ भी ना बैठती जा रही है। चलिए जी हम आपको दिखाते हैं, ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए। उसके बाद चढ़ते हैं, मैंने ना बनाए थे मटर पुलाव, तो जी मटर पुलाव जल्दी से बनाते हैं, सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए, उनको मैंने ब्राउन कर लिया, उसमें मैंने साबुत मसाले डाली जैसे जीरा, सूखा धनिया, मोटी इलायची, ये सारे साबुत मसाले, काली मिर्च, लौंग डाल के उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, उसको भी हल्का सा पका लिया। टमाटर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मसाला भुन गया, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डाला। फिर उसके बाद मैंने मटर डाल दिए, मटरों को मैंने आधे से पौना घंटा पकाया, जब वो 95% से ज़्यादा 98% डन हो गए तो फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया अपने चावलों के हिसाब से, फिर मैंने उसमें डाल दिए जी राइस। तो ये देखिए इस पॉइंट पर मैंने दम लगा देना 15 मिनट के लिए, तो ये इतने ही कमाल के, इतने ही ज़बरदस्त राइस बन के रेडी हो गए। यहाँ पे जी ज़िमल कह रही थी मम्मा रायता मैं बनाऊँगी आपके साथ, तो रायता मैंने लिया, दही, उसमें नमक डाला, ज़ीरा डाला और जो भी मैंने घर चटनी बना के रखी होती पुदीना, धनिया, नमक, और उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली होती हैं और लहसुन के 4 से 5 जवे डाले होते हैं, तो उसको मैं पीस लेती हूँ। तो बहुत ही शानदार सी चटनी बनके रेडी हो गई। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।